कार्यक्रम के अवसर पर हम सबके बीच में उपस्थित हमारे नेता, हम सबके नेता और कोंटा विधानसभा के सबसे लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय कंवर सिंह लखमा जी का जोरदार तालियों से स्वागत। और साथ में आंध्र तेलंगाना से आई हमारी कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी, उनका भी दिल की गहराई से स्वागत। महेश्वरी बघेल जी, उनका भी स्वागत। और यहाँ पर सभी पार्षद, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जनपद के सदस्य, कांग्रेस पार्टी के सभी नेता, कार्यकर्ता, माता और बहनों, आप सभी को सर झुकाकर हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। आप सभी को जय जोहार करता हूँ। सबको पता है चुनाव का आगाज हो चुका है और आज हम लोगों ने कार्यालय उद्घाटन किया और आज से 9 दिन कांग्रेस पार्टी के लिए और कवासी लखमा जी के लिए समर्पित भाव से काम करना है। और आपका ये 9 और 10 दिन और कवासी लखमा का 5 साल आपके लिए समर्पित होगा। और जिस तरह से कांग्रेस की सरकार बनने के बाद हमारे गरीबों के लिए, हमारे किसानों के लिए, माता और बहनों के लिए जो कार्य छत्तीसगढ़ की सरकार ने किया है, किसी से छुपा नहीं है। आज चाहे गोल्लापल्ली हो, चाहे किस्टारम हो, चाहे सिलगेर हो, बिजली से जगमगा रहा है। और ये लोग भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने 15 साल में क्या किया? सिर्फ और सिर्फ हमें उजाड़ने का काम किया और कांग्रेस सरकार ने बसाने का काम किया। ये फर्क है कांग्रेस और भाजपा में। और आदरणीय कवासी लखमा और कोंटा, कवासी लखमा और कोंटा में क्या अंतर है? कुछ भी अंतर नहीं। इसलिए कोंटा के लोग जानते हैं कि कवासी लखमा ही एक ऐसा प्रत्याशी, ऐसा विधायक है जो जनता की भलाई के बारे में बात करता है और भलाई के बारे में सोचता है। और जिस तरह से लगातार सारे समाज, सारे धर्म को लेकर कांग्रेस पार्टी चलती है, उसी का पालन करते हुए आदरणीय कवासी लखमा भी सारे धर्म, सारे जाति को साथ लेकर चलकर सुकमा और कोंटा के विकास की गति को बढ़ाने का काम करे। तो फिर से हमको उनके हाथों को मजबूत करना है। मजबूत कैसे करेंगे? आपका एक हाथ के उंगली से हाथ के निशान को, पंजे में बटन को दबाकर मजबूत कर सकते हैं और कोई दूसरा साधन नहीं है। इसलिए मैं आज सब युवा साथी और यह माता और बहने उपस्थित है, आप सबसे गुजारिश करूंगा, जब 7 तारीख को मतदान केंद्र पर जाएंगे तो एक बात याद रखना, बहुत सारे पार्टियां के निशान रहेंगे लेकिन प्रमुख 2-3 पार्टियां हैं, उन पार्टियों को याद करना और पंजे को याद करना। पंजा वो निशान है जिसने हमें जीने का अधिकार दिया, जिसने हमें सड़क दिया, बिजली दिया, पानी दिया। और एक पार्टी है जिसने हमारे घरों को जलाया, एक पार्टी है जिस एक प्रत्याशी है जिसने हमारी किसी के पिता को अपने बेटे से वंचित किया, किसी के बेटे को अपने पिता से वंचित किया, किसी को माँ को विधवा बनाने का काम किया और किसी के घर को जलाकर घरों से बेघर करने का काम किया, गाय बकरी बैर से हमको बेघर करने का काम किया। और कांग्रेस पार्टी हमें फिर से गांव में ले जाकर हमें पुनः बसाने का काम किया। ये भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी स्वयं मुका है जिन्होंने हमें घरों से बेघर करके जो जमींदार की तरह रहने वाले लोगों को एक बाथरूम के बराबर कोली में सोने को मजबूर कौन किया है हमको समझ के, ये सोच के आप चाप के निशान के पंजे पर एक नंबर पे बटन दबाना है। एक नंबर क्यों आता है बार बार? क्योंकि ईवीएम को भी पता है कि एक नंबर ही कवासी लखमा आएगा, इसीलिए एक ही नंबर दे दो दूसरे नंबर। और इस बार सबसे ज्यादा वोटों से हमको
बनाया था, लेकिन हमारी पार्टी ने मुक्ति धाम बनाया। ये है कांग्रेस पार्टी, सारे धर्म को लेकर चलती है, ये हमको सोचना है। एक सीपीआई वाले आते हैं, ये बीजेपी वाले कहते हैं कि कवासी लखमा युवाओं को रोजगार से वंचित कर दिया। अरे भैया, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, कृष्णारम में जो नर्स हमारी बेटी काम कर रही है, जो बल्लापल्ली में नर्स के रूप में काम कर रही है, वो कहाँ की है ये पूछ के देखिए। ये भी सुकमा की बेटी है, हमारी बेटी है। जिसने ज्यादा नंबर लाया उसका नौकरी लगा। और ये कहते हैं कि बाहरी लोगों को लगा, बाहरी कोई नहीं है, चाहे कोंटा हो, सुकमा हो, चाहे जगर मुंडा हो, ये सब कोंटा के वासी, उन्हीं का नौकरी लगा और आने वाले समय में यही के लोगों को नौकरी देगा और दूसरे लोगों को नौकरी नहीं मिलेगा। ये वादा हम आपसे करते हैं। ये झूठ और भरम फैलाना चाहते हैं कि कवर सिंह लखमा जी हमारे नौजवानों को नौकरी नहीं दिया। अरे भैया, आज यदि गुरुजी बनाए, आज यदि कोई नर्स बने हैं, अगर डॉक्टर पढ़ोगे, डॉक्टर ही कोई पढ़ेगा, उसको नौकरी की तलाश की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो खुद का खुद ये हमारे कलेक्टर और यही सरकार ढूंढ ढूंढ के डॉक्टर की नौकरी दे। लेकिन इतना ज्यादा कंपटीशन में आज बारी पढ़ने के बाद कहेगा नहीं, मुझे पटवारी की नौकरी चाहिए, मुझे इंजीनियर की नौकरी चाहिए, तो संभव नहीं है। जो काबिल है, जिस तरह का काबिल है, उस तरह का नौकरी कांग्रेस पार्टी देगी और कोई दूसरा नहीं दे सकता। क्योंकि स्कूल उसने कांग्रेस ने बनाया, आश्रम कांग्रेस ने बनाया, उसी स्कूल से तो पढ़कर आज बेरोजगार बन के घूम रहे और नौकरी की मांग कर रहे हैं। और कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो नौकरी भी दे सकती है, स्कूल भी दे सकती है। और जिस तरह से स्वयं मुखा की बात करें, उन्होंने हमारी माता बहनों को कितना तकलीफ किया। आज जब गगनपल्ली उनका गांव है, गगनपल्ली में वहाँ के लोग पीने के पानी के लिए तरस रहे थे, वहाँ के लोग वन अधिकार पट्टा के लिए परेशान थे, लेकिन वन अधिकार पट्टा किसने दिया? कवासी लखमा जी ने कहा, कांग्रेस पार्टी ने दिया। और जब उनको प्यास लगता था, उस दिन जाकिर बता रहा था और कहा कुत्ता गुड़म और चिंतूर से मिनरल वाटर आता था, लेकिन वहाँ गगनपल्ली के लोग झरने में पीते। एक जब अपने गांव के लिए उन्होंने नहीं सोचा, तो पूरे कोंटा के लिए क्या सोचेगा, पूरा सुकमा के लिए क्या सोचेगा? ये हमको सोचने की जरूरत है। और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कवासी लखमा जी हर चुनाव में, हर बार में, हर समय कहा कि मैं कम्युनिस्ट को खत्म करूंगा। आज इस बात की खुशी है, कवासी लखमा जी जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। कम्युनिस्ट का छाप ही खत्म। ये है कवासी लखमा, जो बोलते हैं वो करके दिखाता है। इसलिए वो कहते हैं कि मैं सबरी नदी में पुल बना दूंगा, पुल बना देते हैं। वो कहते हैं कोंटा में रोड बना दूंगा, रोड बना देते हैं। वो कहते हैं जिस कारण में अस्पताल बन जाएगा, अस्पताल बना देते हैं। वो कहते हैं बच्चे में बस चलेगी, बस चलती है। वो कहते हैं जगर गुंडा में हम अस्पताल बना देंगे, तहसील बना देंगे, तहसील बना देते हैं। वो कहते हैं धान खरीदी केंद्र खोलेंगे, धान खरीदी केंद्र खोलते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों को दिखता नहीं है। वो कहते हैं कवासी लखमा 25 साल में क्या किया, कवासी लखमा जो किया आप ना, आपके दादा परदादा जो बच्चे भी होंगे, पीढ़ी आने वाली पीढ़ी भी नहीं कर पाएगी, ये तो हम भी नहीं कर पाएंगे। ये मैं कहना चाहता, ये भारतीय जनता पार्टी के भरम में हमको नहीं आना और ये कम्युनिस्ट पार्टी के भरम में नहीं आना। तो मैं आप सब से ही गुजारिश करना चाहता हूँ कि जिस तरह से 5 बार से प्यार और आशीर्वाद देकर इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का अवसर दिया, और इसी अवसर के साथ हम लोगों ने विकासशील सुकमा, विकसित कोंटा, और अब ये जो 5 साल आने वाले होंगे वो वैभवशाली कोंटा और वैभवशाली सुकमा के लिए काम होंगे। इसी आशय के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस तरह से आप लोग कड़ी मेहनत भाजपा के गुंडों से, कम्युनिस्ट के गुंडों से लड़कर कांग्रेस पार्टी के झंडे को बुलंद करने का काम करते हैं, इसके लिए मैं आप सभी को दिल की गहराई से आभार व्यक्त करता हूँ। और पुनः आने वाले
सात तारीख को पंखे के निशान पर बटन दबाकर कवासी लखनऊ जी को जिताकर राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, भूपेश बघेल जी के झंडे को बुलंद करने का काम करना है। इसी आशय के साथ पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद हरीश वासी जी के पश्चात।